Our next topic of discussion is wave motion. मान लीजिए अपने पास एक स्विमिंग पूल है और इस पर्सन ने एक स्टोन फेंका, इसमें यहाँ जाके ये स्टोन गिरा। हम डेली लाइफ एक्सपीरियंस से ये देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टोन गिरा वहाँ से चारों तरफ कुछ इस टाइप का पैटर्न बनने लग जाता है, ऐसे सर्कुलर टाइप। ये जो पैटर्न है आगे की तरफ चलता रहता है। स्फेरिकल शेप में, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई छोटी सी किश्ती रखी हुई है, कागज़ की बना के रखती है मान लो। तो ये जो किश्ती होगी ये जहाँ पे है एक्चुअली अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा वर्टिकल और थोड़ा सा हॉरिजेंटल ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगी। ये अपने पास क्या करने लग जाएगी, ऑसिलेट करने लग जाएगी। जिस पॉइंट पे ये स्टोन जाके गिरा वो है क्रिएशन पॉइंट। किस चीज़ का क्रिएशन पॉइंट? फॉर वाटर वेव। ये जो पैटर्न बना एक टाइप का वेव पैटर्न बना और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्रिएशन पॉइंट। और ये जो वेव बनी है ये किस तरह एक्सपेंड करेगी, इन टर्म्स ऑफ सर्कल। अपने पास सर्कल बनते रहेंगे, जहाँ पे स्टोन गिरा कुछ इस टाइप के सर्कुलर पैटर्न बनते रहेंगे अपने पास। और कब तक बनते रहेंगे? अनटिल दे रीच द शोर। अनटिल दे रीच द शोर। हम देख सकते हैं कि इस बोट तक जब ये डिस्टर्बेंस पहुंचेगी, जब ये पैटर्न पहुंचेगा, तो ये ऑसिलेट करती रहेगी, थोड़ा सा वर्टिकल थोड़ा सा हॉरिजेंटल। बट इसमें जो ख़ास बात होगी इस बोट की डिस्प्लेसमेंट में, देर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, अवे फ्रॉम और टुवर्ड द पॉइंट, टुवर्ड्स द पॉइंट द स्टोन हिट द वॉटर। ये यहाँ पर ऑसिलेट तो करती रहेगी लेकिन इस बोट की इसके रिस्पेक्ट में, क्रिएशन पॉइंट की रिस्पेक्ट में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होती होगी। और इसमें ख़ास बात क्या होगी, देखिए एक और, ये जो वाटर वेव प्रोड्यूस हुई है, वाटर वेव मूव्स फ्रॉम द क्रिएशन पॉइंट to the shore, but water is not carried. Water is not carried. अब देख सकते हैं कि पैटर्न तो बनता रहेगा इस स्विमिंग पूल में लेकिन जो वाटर है वो अपनी जगह पे रहेगा। मतलब एक पैटर्न आगे की तरफ जा रहा है चारों तरफ सर्कुलर शेप में, क्रिएशन पॉइंट से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जो आगे की तरफ एक्सपेंड करता जा रहा है, लेकिन वाटर वहीं का वहीं है। क्योंकि अगर वाटर भी आगे की तरफ जाता तो ये सारा पानी जो है इस स्विमिंग पूल से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन
पानी फिर भी देखिए स्विमिंग पूल के अंदर ही है, उन्हीं बाउंड्रीज के बीच में है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये आगे की तरफ मूव किए जा रहा है और चारों डायरेक्शन में। ये एक वेव पैटर्न है। अपने पास डेली लाइफ में दो टाइप की वेव्स होती हैं मेनली। एक होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी है? जिसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, सम मीडियम इज रिक्वायर्ड, जैसे देखिए इसमें मीडियम क्या है, ये वाटर है। ये वेव जो है वाटर में क्रिएट हो रही है। और दूसरी टाइप की वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोल देते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसमें नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। अभी बड़ा इम्पोर्टेंट सा पॉइंट देखिए कि जब ये स्टोन को नहीं फेंका गया था तो ये जो बोट है ये रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे इस स्टोन को फेंका गया और ये जो पैटर्न है आगे की तरफ मूव करता रहा, ये जो बोट है इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, ये ऑसिलेट करने लगी, इसमें कुछ मूवमेंट हुई, तो ऑब्वियसली इसके पास है कुछ एनर्जी आई। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का वो ये है कि इन वेव मोशन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओवर ए डिस्टेंस बट नॉट द मैटर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि इस पैटर्न के साथ बोट में मूवमेंट आ गई, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन जो मैटर था, जो मीडियम था वाटर, वो नहीं आगे मूव किया, वो नहीं सप्लाई हुआ। देखिए एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बट मैटर इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। सो दिस इज़ द आवर इंट्रोडक्शन पार्ट टू वेव मोशन। लेट अस गो इन डिटेल फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर।